हेलो मैं रितु फैमिली कैसे वास हूँ। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रखे होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे और पॉजिटिव के साथ अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। कहना बहुत आसान है आई नो, बट क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है आजकल के क्लाइमेट में, ऐसा लगता है समझ में नहीं आता है कुछ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली में कब लोग, जैसे लास्ट टू टाइम्स हो गया मैं कोई भी ग्लिटर शिटर अप्लाई नहीं की हूँ टोटली। और ये मेरी ग्लिटर कलेक्शन है, आप देख सकते हैं बहुत सारा ग्लिटर कलेक्शन, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है ग्लिटर कलेक्शन करना। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो ग्लिटर लुक और नहीं मिला है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये वाला मैं ट्विटर से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे एक मेकअप लुक जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। ऐसे फ्रेश हो गया, मुझे शूट वूट करने का बिल्कुल मन नहीं है, जा पूछ क्या नहीं है कि ट्विटर चल नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं है। फेस को मैं ऑलरेडी क्लीन करके आ गई हूँ। आज मैं गई थी माँ मंगला के पास, मेरी मम्मी का आज लास्ट फर्स्ट डे है तो मैं पूजा करने गई थी, तो ये सिंदूर वहीं से लग गया है और माँ के सिंदूर को मिटाया नहीं जाता है। पहले तो मैं ये मिस्ट यूज़ करूँगी जो कि है गुड फेस के लेमन क्रैश बोनिंग फेस मिस्ट विदाउट फैन, यूज़ करना एक्चुअली टॉप काम लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज सेफ फेस सीरम, ये ऑल टाइप है फेस सीरम है मेरा, मैं इसे पेपर मेकअप जैसे हम सीटीएम करते हैं वहाँ पे यूज़ करती हूँ, एंड मैं स्किन केयर में भी इसी को ऐड करती हूँ मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लैक्मे पिगमेंट का फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं एनआईए का प्राइमर अप्लाई करूँगी ताकि मेरी जो स्किन है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए एंड हमारा जो मेकअप है वो फ्लॉलेस आउट हो। प्राइमर अप्लाई करना है मतलब बहुत सारा प्राइमर अप्लाई कर दीजिएगा वरना आपका जो मेकअप है वो स्लिप होता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ पॉन्स का, अगर आप चाहो तो फाउंडेशन अप्लाई कर लीजिएगा। मैं रोज़ रोज़ मेकअप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर मैं डेली बेसिस में फाउंडेशन अप्लाई करूँगी अपनी स्किन में तो स्किन बहुत ख़राब हो जाएगा, इसीलिए मैं बीबी क्रीम से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मेकअप लुक शेयर करने के लिए, क्योंकि आपके साथ जब मेकअप लुक शेयर करती हूँ शेयर करने के बाद मैं विश्वास कर लेती हूँ अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली अगर आप डेली बेसिस में मेकअप करते हो तो मैं यही बोलूँगी कि आप बेबी क्रीम बेटर ऑप्शन है आपके स्किन के लिए, उतना ज़्यादा फाउंडेशन मत अप्लाई कीजिएगा वरना आपकी स्किन को डैमेज भी हो सकता है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आपको पता है कभी भी फाउंडेशन को आप ब्लेंड करोगे तो आपका जो ब्लेंडर है वो ड्राई होना चाहिए, ये ड्राई फॉर्मेट में जब होगा वो अच्छे से ब्लेंड नहीं करेगा आपके फेस में। कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो फाउंडेशन कंसीलर ये फेस ड्राई होना चाहिए। बेबी क्रीम से भी बहुत अच्छे से एक कवरेज आ सकता है अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा यूज़ कर रहे हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी, बहुत ही कम अमाउंट का कंसीलर मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। इतना कंसीलर काफ़ी है अपनी त्वचा को हाइलाइट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई करूँगी तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। इसे आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल जो हमारा ब्लश का ब्रश होता है उससे भी ब्लेंड कर सकते हो।
पाउडर सेट करना है। मैं यहाँ पे रोज़ पाउडर के ऊपर सेट कर रही हूँ और मैं जब भी मेकअप स्टार्ट करती हूँ ये एक एरिया है जहाँ पे मेरा नज़र हमेशा रहता है। नेक्स्ट आपको लिप बाम अप्लाई करना है नहीं तो आपका लिप जो है वो ड्राई फॉर्मेट में आ जाएगा जब तक आप लिपस्टिक अप्लाई करोगे, इसलिए लिप बाम जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। आई मेकअप के लिए मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ फेस ग्लो के ये वाले ब्राउन शेड से। आउटर कलर को थोड़ा सा टिंट देने के लिए आउटर कलर पे मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ब्रश को मूव कर रही हूँ एंड क्रीज लाइन की तरफ ब्रश को सर्कुलर मोशन में ही ले रही हूँ ताकि मेरी जो क्रीज लाइन है वो डिफाइन हो जाए एंड आउटर कलर जो है वो भी अच्छे से डेप्थ बन जाए आउटर कलर को। यहाँ पे मैं एक सीरीज से यूज करूँगी जो कि है जैकलिन हिल पैलेट का आर्मी ग्रीन सेट, क्योंकि मेरी आउटफिट में आर्मी ग्रीन है तो मैं आर्मी ग्रीन सेट का सीरीज से यहाँ पे बेस सेट करूँगी फेसअप के लिए। कभी भी आप सिंगल सेल यूज़ करते हो ना आपको एक हार्स लाइन विजिबल होगा उसको सेम ब्रश लेके आपको जो आपका हार्स लाइन है ब्राउन एंड आर्मी ग्रीन के अंदर जो हार्स लाइन था मैं उसको इनविजिबल कर रही हूँ और इस ब्रश में और कोई एक्स्ट्रा आई शेडो नहीं ले रही हूँ। जो भी आई शेडो इससे मैं होगा ब्लेंड करने के बाद उतना ही काफ़ी है। मैं आपको बोली थी इस ग्लिटर से मैं आज आप लोगों के साथ लुक शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी फेवरेट ग्लिटर है चंद से, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे ना तो आपको भी बहुत सारा प्यार होने वाला है, इसीलिए मुझे चंद बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं कोई भी उंगली लाइनिंग क्रिएट नहीं करूँगी, जैसे नॉर्मल लाइनिंग क्रिएट होता है ना सिंपल एक लाइनिंग क्रिएट करूँगी ताकि एक आई को डेप्थ मिल जाए। आँखें हैं वो बड़ी है तो कभी भी व्हाइट काजल मुझ पर सूट नहीं कर सकता, मुझ पर हमेशा ब्लैक काजल ही सूट करेगा। ब्लैक काजल बेटर ऑप्शन है ना, आप देख सकते हैं मेरी आँखें जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल भी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेम ब्राउन से लेके उसको थोड़ा सा स्मज आउट कर दूंगी ताकि ड्रामेटिक लुक आए। मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी अपने आई लुक को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आईब्रो सेट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले एक्चुअली आई लुक कैसा शो आउट हो रहा है। आपको बोलती हूँ ना कि जब भी मेरा आईब्रो सेट नहीं होता है तो मुझे आईब्रो पेंसिल से ही सेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बस अपनी हेयर लाइन को डार्क कर लेती हूँ और कुछ
लिख लेती हूँ। ये था फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंपल भी ली हूँ, थोड़ा सा ग्लैम को भी ऐड की हूँ, क्योंकि दिवाली है तो ऑब्वियसली सी बात है थोड़ा सा तो चमकना बनता है हर किसी को। वैसे अगर आपके पास फ्रेश ग्लिटर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अगर ग्लिटर पसंद नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जैसे हमारा सिंगली सेट होता है इससे भी मेकअप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा तो खुद को प्रेप करना जरूरी है ना, क्योंकि घर में दिवाली है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, उस दिन और उस दिन सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था आज का मेकअप लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है आप लोगों के लिए नहीं की हूँ कि आप लोगों को टाइम लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली मेहनत किसी लगती है आईलाइनर में ना, और मैं आज आईलाइनर को टोटली सिंपल रखी हूँ। बेसिक आईलाइनर अप्लाई की हूँ और कुछ भी नहीं अप्लाई की हूँ, ही नहीं की हूँ, स्मोकी नहीं की हूँ, सिंपल सा आईलाइनर है। और अगर आप चाहो तो मेरे सेकंड लास्ट वीडियो है चैनल में, उसे भी चेक कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब अगर सिंपल लुक क्रिएट करना चाहते हो तो। और कुछ ग्लैम लुक चाहते हो तो इस तरह मेकअप लुक जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। इतना हो सके कटल आउटफिट पहनिएगा, कैरी कीजिएगा, ताकि आप लोग सेफ रहे, सिक्योर रहे। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे से ध्यान से फटाखा फोड़िएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये था आज का फाइनल लुक। उम्मीद तो ये करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, क्योंकि आप नहीं करने वाले हो, आई नो, ओके। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आपकी दिवाली एंड सेफ दिवाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।